हेलो दोस्तों, मैं अब से एक स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विथ अब सेक में। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, और हमारा एक टॉपिक आज और है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश किए हुए चिकने सतह पर गिरता है, इसका मतलब समझे, एक बार हम और पढ़ देते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश किए हुए चिकने सतह पर गिरता है, तो इसका मतलब पहले नीचे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिया है कि पॉलिश किया हुआ सतह है और ये प्रकाश की किरण है जो चिकने सतह पर गिर रही है, इसको आपतित किरण भी बोल सकते हैं। जो किरणें अब परावर्तक पृष्ठ पर गिरती हैं, या जो किरण अब आती हैं प्रकाश की, उसे कहते हैं आपतित किरण। आगे चलते हैं, गिरता है तक हो गया था। तो प्रकाश का अधिकांश भाग चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक चिकने सतह पर गिरता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित तो होकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। कुछ भाग चिकने सतह अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। यही बोल रहा है, देखिए, वापस चला जाता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक बार हम पूरा प्रारंभ से पढ़ देते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश किए हुए चिकने सतह पर गिरता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये परावर्तन आपका फिगर है, तो इससे अच्छा हम आपको अगली फिगर में बताएंगे। और आपका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार हम आपको और बता देते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर गिरती है, देखिए ये जो है ना, ये किरण, ये आपका चिकना सतह है, बोल तो परावर्तक तल भी बोल सकते हैं आप, तो ये चिकना, ये आपतित किरण या प्रकाश की किरण, उसको दोनों बोल सकते हैं, ये चिकने सतह पर गिरती है, तो गिरने के बाद फिर उसी माध्यम देखिए वापस परावर्तित हो गई है। तो यही घटना जो बोल रहा है, जब प्रकाश किरण किसी पॉलिश किए हुए चिकनी सतह पर गिरता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये क्लास 10th तथा क्लास 12th दोनों में महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम आगे अपना आपको पढ़ाएंगे कि परावर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, हम देखेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ये क्लास 10th और 12th दोनों में है आपका, आप 10th में हो चाहे 12th में, दोनों में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं परावर्तन के? मुख्यतः दो नियम होते हैं। देखिए ये फिगर आपको बना है कि ये परावर्तक तल है, ये अभिलंब है। अभिलंब का परिभाषा मतलब परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ठीक। फिर हम देखते हैं कि ये जो किरण आ रही है, पहले हमने बताया था अभी आपको, ये आपतित किरण होता है। अब देखिए जो परावर्तित टकरा के परावर्तित हो जाए, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और इसी में हम आपको एक बात और बता देते हैं, आगे आएगा अपने टॉपिक में, कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, राइट। फिर से बदल रहे हैं, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इधर देख लेते हैं, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार हम आपको और बता दें, अगर
अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम आपका की परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम क्या होते हैं। देखिए पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण, मतलब ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु आपका यही है जहाँ पर तीनों मिलते हैं उसी को बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसका मतलब ये जो तल है इसी एक ही तल में तीनों बिंदु है ना, तो वही बोल रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, ये अविलंब है आपका, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम हो गया। और हम देखते हैं सेकेंड नियम। सेकेंड नियम में क्या कर रहा है, आपतन कोण की ज्या, मतलब इसमें आपतन कोण हमने आपको बताया भी कि अविलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। वही बोल रहा है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण, परावर्तन एक ही बार रहेगा यहाँ पर, परावर्तन परावर्तन कोण की ज्या, स्मॉल आर देखिए यहाँ पर है ना, और यहाँ पर आइए ज्या के बराबर होती है, मतलब आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, मतलब जो आपका आपतन कोण होगा वही उतना ही आपका परावर्तन कोण भी होगा। अर्थात देख लेते हैं इसका, साइन आई इट इज इक्वल टू साइन आर, ये आपका फार्मूला होता है कि जितना आपका आपतन कोण होगा ये इतना आपका परावर्तन कोण होगा। तो देखिए दोनों रूल हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार हम दोनों रूल को आपको बता दे रहे हैं, फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये आपका पहला नियम हो गया। आप दूसरा नियम देखते हैं, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब वही कोण है आई इट इज कोल, तो आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या स्मॉल आर के बराबर होती है, अर्थात साइन आई इट इज इक्वल टू साइन आर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।